ओके, अब ये हम जंप कर गए, अब यहाँ से दिखेगा वो बंदे की खोपड़ी दिख रही है, तब एम करके आराम से उसको मार सकते हैं। और ये हो गया हमारा चिकन डिनर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसमें आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ओके, तो कुछ ट्रिक्स इनमें रिलेटेड हैं हमारी पोशिंगी से, और एक ट्रिक होगी नोवो से रिलेटेड, तो उनको ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है आपको। अगर स्किप करेंगे तो एक भी आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी कैसे परफॉर्म करना है। ओके, और इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप एक प्रो बंदे की तरह रश कर सकते हो एनिमी पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी जो घर है इसमें एक बंदा छुपा है, तो इसको मारने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रोकन वॉल पे हम करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें यहाँ छज्जे पर जंप करना है, और ये जो यहाँ से जाएंगे हम, और ये देखिए बंदा, और इसे ईजिली मार सकते हैं, पता भी नहीं चला इसे। सामने वाले घर में एक बंदा छुपा हुआ है, तो इसको मारने के लिए इस वाले घर में आएंगे, और यहाँ से चढ़ के जो बालकनी है, बालकनी की रेलिंग से जाएंगे, और ये सामने वाले घर पे जो जंप करेंगे इसकी छत पे। ओके, जिस छत पे मैं खड़ा हूँ, जब इस पर मैं जंप करके आऊँगा, तो मैं यहाँ से बालकनी पे डायरेक्ट, इस सामने वाले घर की बालकनी पे डायरेक्ट जंप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बंदा कहाँ पे है। ओके, तो ये जो छत है जहाँ से आप जंप करके सामने वाले घर में जाओगे, इससे आप कहीं भी उस घर में जंप कर सकते हो, खिड़की के इससे अंदर जा सकते हो या बालकनी से, तो आप पे डिपेंड है कि आप बंदा कहाँ पे है, उस हिसाब से आपको जंप करना है। ज़रूरी नहीं कि बालकनी से ही जाएंगे। ओके, जहाँ बंदा है, जहाँ से आपको एम करके मारना है, वहाँ पर आप जंप करिएगा। चलिए फिर, पता है कि ये बंदा कहाँ पर छुपा है, वो सीढ़ियों के पास है, इसलिए मैं बालकनी से आ रहा हूँ, बाकी आप जहाँ से भी जाओ। ओके, तो अब देखिए कैसे इसको मारता हूँ, इसको पता भी नहीं चला कि मैं कैसे आ गया इस घर में। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, आपने नोवो में ये कंटेनर बहुत बार देखा होगा, लेकिन इस पर चढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गाइस, इस पर आपको ये जो लाइन दिख रही है कंटेनर के बगल में, इस पर जंप करके ऊपर चढ़ना है, और ये देखिए आप चढ़ गए इजीली, ये कंटेनर के अंदर आ सकते हो। इस कंटेनर पे आने का एक और तरीका है कि हम टावर से चढ़ के जंप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से करेंगे तो बंदे स्पॉट कर लेंगे हमें, इसलिए मैं यहाँ से चढ़ के आया हूँ ये ट्रिक यूज़ करके, ताकि बंदे स्पॉट ना कर पाए। गाइस, जो टेक्निक है ये उस टाइम के लिए ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है जब आपके पास गन ना हो और आपको बंदे मार रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके छुप सकते हो बिना स्पॉट हुए। ओके, बट बंदों को नहीं पता चलना चाहिए कि आप यहाँ पे हो। तो गाइस, हम पोचिंकी में आ गए, और यहाँ पे ये जो सामने घर दिख रहा है आपको, इसमें एक बंदा छुपा हुआ है। ओके, तो अब इसको देखिए हम कैसे अमेजिंग ट्रिक से मार सकते हैं, और बंदा सोच रहा है कि वो कैम करके बैठा रहे, कब में पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता चल गया। अब इसको कैसे मारना है टेक्निक से, अब वो देखिए और कैसे चिकन डिनर होता है। तो गाइस, अब हमें सिंपली करना क्या है, ये हमारे राइट में एक घर है। ओके, तो अब इसमें हमें जाना है ऊपर, और यहाँ पर जो इसकी छोटी सी बालकनी है, इसकी रेलिंग से कूद के सामने वाले घर की छत पर जाना है। ओके, अब यह हम जंप कर गए, अब यहाँ से दिखेगा वो बंदे की खोपड़ी दिख रही है, तब एम करके आराम से उसको मार सकते हो। और ये हो गया हमारा चिकन डिनर, देखा गाइस कितना सिंपल था। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और आगे की वीडियोस भी आने वाली हैं जिनमें और भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। ओके, और उनमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और ये जो ट्रिक्स आपको आज मैंने ट्रिक्स बताई हैं, उनको सारी यूज़ करिए और आगे प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप एक प्रो प्लेयर की तरह खेलना सीख जाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।